नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का, बहुत सारे लोगों का एक ही कॉमन कमेंट आ रहा है कि सर गैलवे कार्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन आईडी, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन आईडी होती है, वो दिखाई नहीं दे रही। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके लिए वो आईडी मान्य नहीं रखता। कहते हैं कि आईडी अंदर नहीं लॉगिन हो रही है और नहीं कोई ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि उसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो कस्टमर के लिए और एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है ग्लेज के अंदर उनके लिए, क्योंकि उनके पास आईडी है, पासवर्ड है। दूसरा है जो कस्टमर, न्यू कस्टमर, यानी कि जिनके पास न तो गैलवे से कोई जुड़ा हुआ है और न ही उनके पास कोई आईडिया और प्रोडक्ट परचेज करना चाहता, तो वो कस्टमर से भी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। सबसे पहले बात आती है कि किन किन के आईडी के अंदर ऑप्शंस नहीं बता रहा। जिन्होंने गैलवे कार्ड को अपडेट नहीं किया, क्या सबसे बड़ा एक ही सवाल रहता है, सभी का सवाल यह है कि सर गैलवे आईडी का ऑप्शंस नहीं आ रहा है। तो उनके मैं बता देता हूं, जो ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या ग्लेज के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है इनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो गैलवे कार्ट ऐप है उसको अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद वो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक तो कस्टमर के लिए और एक गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो दोस्तों दोनों में से आपको कौन सा चूज करना है वो आप चूज करके प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, पेमेंट करते वक्त आप यूपीआई पिन से पेमेंट करते हो या वॉलेट से करते हो या एटीएम कार्ड से करते हो, जैसे भी करते हो, ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग से जो भी करते हैं, वो आप ध्यानपूर्वक करें। करना कैसे, आपको पूरे यानी कि नेटवर्क के साथ, क्या इंटरनेट बहुत होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका पेमेंट तो कट जाता है लेकिन गैलवे कार्ड पे अपडेट नहीं होता, क्योंकि दोस्तों वो गैलवे कार्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको इंटरनेट की बहुत आवश्यकता रहती है। और गैलवे कार्ड के अंदर पेमेंट भेजने के लिए सबसे पहला आपके जो सर्वर है, जो इंटरनेट का सर्वर, वो हाई होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ बीच में प्रोसेसिंग रुक जाएगा और वो पेमेंट ना तो आपके पास रहेगा ना कंपनी के पास रहेगा, बीच में वो लटक जाएगा। इसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का जो ना तो प्रोडक्ट आया ना कोई पैसा वापस आया। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर प्रोडक्ट ना आया है, प्रोडक्ट पेमेंट कट गया है और गैलवे कार्ड में भी नहीं बता। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने पेमेंट हमेशा पेमेंट करो तो आप 12 बजे से पहले पहले करो। कितने बजे से? 12 बजे से पहले पहले करने का मतलब ये रहता है कि आपका जो इंटरनेट है वो यूजेबल कम होता है और कम यूज करता है, उसकी वजह से आप पेमेंट आसानी से कर सकते हो। शाम तक क्या होता है कि आप लगभग लगभग 70-80-90% इंटरनेट यूज कर लेते, उसके बाद जो प्रोसेस बहुत धीरे चलता है उसमें आप पेमेंट करते, तो पेमेंट प्रोसेस लगभग प्रोसेसिंग में चला जाता है, उसकी वजह से वहीं रुक जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोडक्ट परचेज करें उनके लिए सिर्फ और सिर्फ समय रहता है 12 बजे से पहले पहले, और 10 बजे के बाद आप पेमेंट कीजिए। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी सर्विस के लिए आपका ये गैलरी कार्ड आपके प्रोडक्ट घर तक पहुँचाएंगे। समय लग सकता है क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं वेबसाइट में भी प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनमें भी प्रॉब्लम चल रही है। तो आप लोग धैर्य बना रखें, जल्द ही ये वेबसाइट एकदम परफेक्ट तरीके, यानी फील परफेक्ट तरीके से ये अपडेट हो जाएगी और आप तक प्रोडक्ट तुरंत पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि वेबसाइट के अंदर जो गैलवे कार्ट ऐप है उसके अंदर न तो आईडी बता रहा है और ना ही कोई ऑप्शन बता, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ अपडेट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।